गुड मॉर्निंग आलोक। गुड मॉर्निंग सुभाई। नहीं अभी कहा। कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। और वो मुसीबत नीला? वो अभी अभी गई है। सुनो प्रेम, वो नीला अपने जिमखाना में एक मैच ऑर्गेनाइज करना चाहती है मेरे लिए, चंदा करने के लिए। हमको किसी भी तरह उसको रोकना है। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। ये लड़की नीला काफी समझदार निकली। इस मामले में उसके साथ मशवरा करना पड़ेगा। तुम थे कहां सुबह से? कहां था हुजूर? काम कर रहा था। और वो भी तुम्हारा काम? 15 आदमियों के बयान लिए जो उस दिन मैच देख रहे थे, पहली दो कतार में बैठे हुए। सिगरेट केस नया लिया क्या? 22 कैरेट का है, तुम्हारा ही समझो। क्या है आलोक, हमारे धंधे में हमेशा चौकस रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए आखिर दुश्मन चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है और उसकी चाल क्या है। हमें अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। ये तुमने काफी नई किताबें खरीदी हैं, लेकिन सब बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तुम्हारे पास कोई जासूसी किताब है नहीं? मुझे बहुत शौक था बचपन में, मैं काफी जासूसी किताबें पढ़ चुका हूं, लेकिन मेरा फेवरेट था शर्लॉक होम्स, बड़ा मजा आता था। ये घर काफी साफ सुथरा नजर आता है। ये सब नीला की मेहरबानी है, आने से पहले सारा कलर वॉश करवा दिया और पेस्ट कंट्रोल वाले आते सारे कमरों में स्प्रे करके गए। पेस्ट कंट्रोल सारे कमरों में? मेरा ख्याल है उन्हें कुछ शक पड़ गया है। मैंने कहा था ना किताबों के पीछे माइक्रोफोन नहीं रखने का। तो क्या तुम्हारा आइडिया अच्छा होता नाश्ते के साथ चाय का केतली में माइक्रोफोन रखने का? बात करता है। ये वकालतनामा जरा पढ़ लो। मुझे इन सब चीजों की कोई समझ नहीं, मुझे मत दिखाओ। बहुत जरूरी बात है, खास करके नीचे वाली लाइन पढ़ो। है ना मजेदार बात। ए, क्या कागज दिखा रहा है? इतना दूर से कागज में क्या लिखेला है, कैमरा नहीं पकड़ने को सकता है। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कुछ कहते वक्त सीधा ना कहकर घुमा फिराकर बताते हैं।